गाइस देखो रोने लग गए। तो क्या नाम है आपका? देवांश। रो मतलब स्माइल करो। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी गाइस होटल से निकल गए, कल ऐसे ना दिल्ली इवेंट के लिए, तो काफी मस्त इवेंट था, सबसे मिले। तो फिर जा रहे हैं वापस हल्द्वानी। अभी गाइस मेरी आंखें ना लिटरली जल रही है, मैं रात को सोया भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ 3 घंटे सोया हूँ क्योंकि रात को एडिटिंग करनी थी ना, तो भाई आंखें लिटरली जल रही हैं। तो अभी गाइस निकल गए दिल्ली से। तो अभी गाइस मम्मी का फोन आया था, एक दिक्कत हो गई है, चाची एडमिट है, चाची को ना डेंगू हो गया, चाची एडमिट है और मम्मी भी हॉस्पिटल गई है, तो घर पे कोई है नहीं, तो हमको भूख लग रही थी, हम रुके थे भी यहाँ पे, तो हम छोले कुलचे वगैरह खा लेते हैं फिर चलते हैं घर पे, क्योंकि घर पे कोई है नहीं, मम्मी भी नहीं है, चाची भी नहीं है, तो खाना वाना बनानी है, तो हम यहीं पे एक बार खाते हैं, तो भूख सी लग रही थी, उसके बाद फिर चलते हैं। तो फिलहाल छोले कुलचे आ गए हैं, खाते हैं। फाइनली पहुँच चुके हैं हल्द्वानी, पहुँच गए घर। ओरियो तो है ही नहीं घर में। तो भाई कुनाली ने ड्रॉइंग बनाई है पहली बार, अरे उल्लू सर आ गए हैं, कहाँ गया था? 2 बज गया, आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी मेरी? टाइम हो रहा है मेरे को, सवेरे हॉस्पिटल गए, खाना बनाया, खाना लेके गए, अभी आ ही रही हूँ। गाइस देख लो सुबह 8 बजे वीडियो आती है, 2 बज गए अभी तक मम्मी ने वीडियो नहीं देखी, मम्मी ने खुद नहीं देखी, मम्मी पूरा दिन काम में लगे रहते हैं। हम अपने दादाजी को गेमिंग चेयर में बिठाते हैं। गाइज आपको अम्मा नहीं देख रही होगी, अम्मा गई हुई है बुआ के घर पे, तो वो बुआ के घर में रहेगी कुछ दिन। Hey guys, good morning. Guys, ये देखो हम यहाँ पे ब्लॉग देख रहे थे और ये देखो भाई यहाँ पे आके सो गया है, इसको आपके पास अच्छा लगता है आपके पास? तो भी गाइज मम्मी को और मेरे वाले से मदर, तो मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ, बिकॉज कल रात को मैं सोया नहीं, 2-3 घंटे ही सोया हूँ, मैं ड्राइव भी किया अभी, तो हाँ मैं थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, बिकॉज रात को मेरे को जाना भी है, एक शादी में जाना है वो भी के साथ में, इंपॉर्टेंट मेरे को ज्यादा हो रही, तो तू भी दवाई ले ले। तो भी गाइज शाम के 6 बज चुके हैं, फिलहाल उठ गया हूँ सो के, आज काफी देर हो गया भाई, अंधेरा ही हो गया अब तो हाँ अभी 2 काम करने हैं, एक तो चाची से मिलकर आना, चाची को खाना देकर आना, चाची हॉस्पिटल में है ना, चाची और जाता, और पता है मेरे हॉस्पिटल आने में दिक्कत है, बिकॉज हॉस्पिटल में इतनी भीड़ है, वहाँ सब मुझे पकड़ लेते हैं, मतलब मैं हॉस्पिटल में ले जा सकता, मैं मम्मी पापा को ले जाता हूँ ना कई बार, तो मैं उनको दिखाई नहीं पाता। तो फिलहाल मम्मी यहाँ खाना बना रही है चाची चाचा के लिए, आजकल मम्मी अकेली होगी चाची के बिना ना, नहीं तो चाची बहुत हेल्प करती थी, सिर में दर्द हो जा रही है, मम्मी के भी सिर में दर्द हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है ना। पीयूष क्या कर रहा है? पीयूष से पूछते हैं, शादी में जाना है, चलते हैं फिर, तो रेडी हो जा। तो भी गाइस मैं तो रेडी हो गया, मस्त नहा धो के और कपड़े भी चेंज कर लिए। शादी में आप क्या करोगे? मैं भी आऊंगा ना, मैं बोबी के साथ मैं भी आऊंगा। नहीं नहीं आप छोटे हो ना, छोटे रात को नहीं ले जाते, छोटे बच्चों प्लीज, मैं भी आऊंगा। बड़ी मम्मी ने हाँ कहा तो आपको ले जाना पड़ेगा ना, जाओ बड़ी बड़ी मम्मी से पूछो पहले, जाओ बड़ी मम्मी में जाओ या नहीं जाओ, जाने को जा, सिर्फ भैया को पूछती हूँ, तो ध्यान रखेगा इसका, बिल्कुल हाथ नहीं छोड़ना है एक तो इसका, ठीक है? इसका क्या, पीयूष का क्या? पीयूष को तेरे को पता है इधर उधर से ले जाता है खाने, मैं जाता हूँ अकेले, सुन रहे? इसका इसका पूरा ध्यान रखूंगा, हाथ पकड़ूंगा, कहता तो ले जा भाई, बात ये जिम्मेदारी के साथ, हाँ जिम्मेदारी के साथ, ये नहीं कि तुम खाने बैठ जाओ इसको अलग छोड़ दो, ऐसे मत करना। आप रहने दो छोटे हो, मैं भी आऊंगा। अब अभी तो अभी आप बहुत छोटे हो, लाइफ टाइम में बहुत शादी आएंगी, मेरी शादी भी होगी, मेरी शादी में नहीं, आपकी शादी में नहीं आऊंगा, रामनगर जाना है, रामनगर है सच में? हाँ हाँ, फिर नहीं भेजती, मैं कह रही हूँ यही रामनगर, रामनगर है रामनगर, क्या रामनगर है? रात को रामनगर जा रहे हो तुम, तो रामनगर आंखें तेरी ऐसी हो रही है, तो वो भी चलाएंगे, मैं चलाऊंगा। कुनालिया कैंसिल हो चुका है, बिकॉज हमको जाना है रामनगर, यहाँ से 1.5 घंटा दूर है। चाची के लिए दाल रख दी है और ये रोटी है, तो गाइस खाना और पानी ले लिया है, तो चलो अब चलते हैं। दिखाओ जादू, दिखाओ क्या जादू है, जादू दिखा रहे कोई, ओ भाई। तो साहिल भी रेडी हो गया, स्मार्ट लग रहा है, बस मैं ही लग रहा हूँ उजड़ा चमन। तो गाइस 7 बजने वाले हैं भाई, कूल लग रहा है यार। तो अभी गाइस हॉस्पिटल पहुंच गए, तो चलते हैं ऊपर चाचा चाची के पास में, देखते हैं चाची क्या हाल है, क्या सीन है भाई। अबे अबे ये क्या हो गया गाइस, लिफ्ट में अंधेरा हो गया, रुको रुको रुको, ये तो दबाना पड़ेगा ना, क्या अबे ऐसे मत खोलो, लिफ्ट बंद हो गई थी भाई, गाइस आज तो फट गई थी लिफ्ट में, मतलब लिफ्ट बंद हो गई भाई, अंधेरा हो गया पूरा, मैं कहा ये क्या हुआ एकदम से भाई, इतना डर लगा ना, फिर एकदम से लाइट आई, एकदम से हम बाहर आए, फिर हम सीढ़ियों से आए हैं। बाय द वे चाची अब ठीक है, कल चाची को डिस्चार्ज मिल जाएगा। गाइस बहुत बेकार होता है डेंगू, मतलब मेरे को भी 2-3 बार हुआ है, मैं पूरी हालत खराब होती है पूरी बॉडी में, मतलब अजीब सा होता है, तो हाँ मतलब मैं समझ सकता हूँ चाची का दर्द। तो अभी गाइस हम वेट कर रहे हैं बोबिया का, बोबिया यहीं पे आएंगे, फिर उनकी गाड़ी में ही जाएंगे हम। अब कुछ बाहर खाने का मन कर रहा है, कुछ चटपटा बता दो, ले आएंगे नहीं तो, कुछ मन ही नहीं कर रहा। गाइज हमको रात को जल्दी आना पड़ेगा, बिकॉज पीयूष का स्कूल जाना है। अभी गाइज डॉक्टर आए थे, जो डॉक्टर ने बोला कि सब कुछ सही है, कल सुबह डिस्चार्ज दे देंगे। ओहो बॉय भैया,
शादी शुरू हो चुकी है, हम लेट हो गए भाई, हम लेट हो गए पीयूसी। अब ये तो शादी के बाद का सीन है, शादी तो हो चुकी है, यहाँ थोड़ी जाओगे, हम लेट हो गए क्या। चलो भाई चलते हैं बोबिया की फॉर्च्यूनर में। तो भी गाइस पहुंच गए रिजॉर्ट में जहाँ पे शादी है, तो पार्क गाड़ी पार्क कर रहे हैं, इसके बाद चलते हैं अंदर। ये शादी है महिंद्रा वालों की, जिनका महिंद्रा शोरूम है ना उनकी शादी है, उनकी नहीं है मतलब उनके बेटे की है। तो भी गाइस एंट्री कर रहे हैं, देखो एंट्री कितनी मस्त है यहाँ पे, फोटो सेशन शुरू हो गया आते ही। जब से आए ना तीसरी बार ला चुका है ये पाव भाजी, तीसरी बार। अब ठूसना शुरू करते हैं गाइस। एक चीज बढ़िया लगी, इतनी बड़ी शादी है लेकिन देखो पत्ते में मतलब बिल्कुल इको फ्रेंडली। अरे रो मत रो मत। गाइस देखो रोने लग गए तो। क्या नाम है आपका? देवांश। देवांश रो मत ना, फिर स्माइल करो, स्माइल करो। तो गाइस अभी हम आए हैं मीठा खाने के लिए, गाइस फिर से रोने लग गए। एक बात बताओ, मेरी बात सुनो, रोगे तो फिर अच्छे कैसे लगोगे व्लॉग में? मुझे आंसू अपने आप आ रहे हैं, बार 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 आ रहे हैं, क्योंकि आपसे मैं पहली बार नहीं मिल रहा हूँ। भाई शादी में हो गया मीटअप खतरनाक वाला। चलो गाइस फिलहाल फ्रूट्स खाते हैं। अच्छा ऐसे एक उठाना है, डंडी में अटका रखी है, अटका रखी उठा लो। क्या खा रहा है? पान। पान ज्यादा से पान खा रहे हैं। तो गाइस मस्त खाना पीना हो चुका है, फुल ठूस लिया भाई, पेट फुल हो चुका है, अब चलते हैं। शादी भी हो चुकी, शादी तो हो रही है, अभी शादी नहीं हुई है। क्यूट लग रहा है, ठंड लग रहा है। फाइनली घर पहुंच गए भाई, रात के 12:30 बज गए भाई। गाइज आज तो मैं अपने पेट में भसड़ मचा गया हूँ, मतलब शादी में खाने का मतलब होता है पेट में भसड़ मचाना, क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे हमने डोसा खाया तो ठीक था पेट, उससे लगा कि डोसा सही है, उसके बाद पाव भाजी खाई, फिर उसके बाद और चीज़ें खाई, टिक्की खाई, फिर उसके ऊपर से खाना भी खा लिया, फिर उसके ऊपर से सलाद खा लिया, फ्रूट्स खा लिया, उसके ऊपर से फिर गुलाब जामुन खा लिया, उसके ऊपर से फिर और मीठा खा लिया, फिर कभी और नमकीन, तो पेट में भसड़ मचा जाए, पेट में भाई क्या हो रहा है ये पेट में, तो पेट में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अजीब सा हो रहा है पेट में, कुछ ज़्यादा ही खा लिया यार, और बहुत सारी चीज़ें खा ली ना एक साथ, तो पेट भी कन्फ्यूज है भाई क्या क्या खा लिया। तो नहीं जब एक चीज़ खा लें तो सही रहता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें खा ली तो सब मिक्स हो गया, अजीब सा हो रहा है। तो चलो फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, बिकॉज बहुत थक गया हूँ, बहुत नींद आ रही है, सुबह जल्दी उठ के एडिटिंग कर लूँगा मैं। आज शादी में गए थे आपको दिखा दिया, काफ़ी मजा आया, काफ़ी कुछ खाया, काफ़ी सब्सक्राइबर से मिले, और एक बच्चा तो भाई रो रहा था, फुल लिटरली रो, तो वो रो ही जा रहा था भाई, एक बच्चा रो ही जा रहा था, मैं कि भाई रो क्यों रहे हो भाई, कह रहा मिल रहा हूँ तो रो रहा हूँ, रोना आ रहा है देख के, पहली बार ऐसा कैसे कि वो मुझे देख के रो ही जा रहा है, रो ही जा रहा है, मैं बोला चुप जाओ रो। अब चलो चलो जो भी है, आप लोग का प्यार है, थैंक यू सो मच, आई होप आपको ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद है लाइक कर देना, चैनल भी सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। ये घूमेगा ना, ये घूमेगा, इसमें कैमरे लगा हुआ है, इसमें यार वीडियो नहीं बनाई क्या तुमने, इसमें दो कैमरे लगे हुए, देखो दो गोप्रो।